खबर आ रही है यूपी के रायबरेली से, जहां 4-5 ग्रामीण नाली के समीप डाल रहे हैं घूरा। जिससे सरकारी नाली जाम हो रही थी, घूरा से जाम नाली में व्याप्त हो रही गंदगी को लेकर राजकुमार पासी पुत्र रामगोपाल पासी निवासी ग्राम पोस्ट मलके गांव ने ग्राम प्रधान राम नरेश को जानकारी देते हुए अवगत कराया, किंतु ग्राम प्रधान मलके गांव राम नरेश ने कहा कि मेरे पास बजट नहीं है। इसके बाद राजकुमार ने घूरा से जाम हो रही नाली में व्याप्त भारी गंदगी से कहीं गांव में संक्रमण न फैल जाए, यह सोचकर वह स्वयं के पैसों से नाली को क्लीन करवाकर टूटी फूटी सार्वजनिक इस्तेमाल होने वाली नाली का स्वयं ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, जिनका उद्देश्य गांव को संक्रमण मुक्त एवं गंदगी से जाम नाली में व्याप्त हो रही जल भराव की समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाना था। किंतु नाली के समीप घूरा डालने वाले लोगों ने सार्वजनिक इस्तेमाल होने वाली नाली निर्माण में आपत्ति लगाकर नाली निर्माण कार्य को बाधित करने के उद्देश्य से नाली निर्माण की भूमि पर घूरा डालकर गंदगी फैलाने का कार्य कर सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की उड़ा रहे धज्जियां। वहीं इस बाबत पर जब ग्राम प्रधान से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य से नाली निर्माण का कार्य सही हो रहा है और ग्रामीणों के साथ साथ यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, किंतु जब हमने घूरा डालने वाले एवं नाली निर्माण कार्य को बाधित करने वाले लोगों के बारे में पुष्टि की तो उन्होंने बताया कि उनके पास घूरा डालने की जगह नहीं है, जिससे वह वहीं पर घूरा डाल रहे हैं और नाली निर्माण कार्य में आपत्ति जता रहे हैं और बहुत समझाने के बावजूद भी वहीं पर घूरा डाल रहे हैं। अब देखना यह है कि सार्वजनिक उपयोग में हो रही नाली निर्माण को बाधित करने वाले एवं घूरा डालकर गंदगी व्याप्त करने वाले व घातक संक्रमण को बढ़ावा देने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या फिर आने वाले समय में ग्रामीणों को गंदगी से फैलने वाले घातक संक्रमण का सामना करने को बेबस होंगे। फिलहाल पूरा मामला रायबरेली जनपद के सरैनी क्षेत्र के अंतर्गत मलके गाँव का है। रायबरेली से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जिशान आलम की रिपोर्ट। अरे वो पानी पहले सब करें तो अब कहाँ हो जाए, जब पहले सब सुझे तो अब कहाँ हो जाए भैया नाली, अब हम नाली कहाँ साफ उठ बनवा पाए, हमारे पास तो जब खत्म पैसा पैसा आई तब ही हम बनवा पाए। ग्राम पंचायत मोदी जी की योजना की ये विकास यात्रा चल रही है, ये आप बोलते हैं गांव के अंदर घूर पड़ने चाहिए। राजकुमार रामगोपाल वासी मलके गांव। क्या समस्या है नाली को लेकर? समस्या नाली को लेकर ये है कि नाली जो है कहीं जगह पे टूट गई थी और नाली के बाजू में पड़े हुए घूरा थे, उनके कारण वो नाली ब्लॉक हो गई। नाली का पानी गांव का जो पानी है वो पास नहीं हो रहा था बड़ी नाली में, पूरी जो बड़ी नाली मेन नाली थी वो भी खराब हो गई, जिसके कारण वो मेन नाली भी और ये सामने की नाली में बना रहा। नहीं, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए बना रहा। औरों की तरह गांव के कुछ निवासी हैं जो घूरा वहां पर डालते हैं। घूरा डालने वाले लोग अवरोध कर रहे हैं। कार्रवाई ये हो कि वहाँ से घूरा ना डालें, उसके कारण पूरे गांव में गंदगी फैल रही है, उसके मेरे पास सारे वीडियोग्राफ्स हैं जी, जो गंदगी है उसके सारे वीडियोग्राफ्स हैं। आज ही हुआ है वो शिकायत, हम कल करने जाएंगे, जो कि मैं पर्सनल कार्य कर रहा था मेरे पैसे से, वो पूरा निर्माण कार्य कर रहा था नाली का जी। अभी सर इससे बहुत गांव पूरा 90% गांव प्रभावित होता था और जो स्कूल प्रभावित होते थे वो कार्य मैं कर रहा हूँ। गंदगी से नहीं, पानी जल भराव से पूरे स्कूल बंद हो जाते थे, अवरुद्ध कर रहे हैं। ग्राम प्रधान को पहले मैंने बताया, बोला कि वो हमारे पास बजट नहीं है, इसके कारण वो नहीं हो पाती और जो मेन नाला था
उन्होंने बताया कि ये हमसे नहीं हो पाता है क्योंकि वो गंदगी को साफ करने के लिए कोई आदमी नहीं जाता, तो मैंने पैसे पे करवाया। भाई हम तो हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन दुनिया गांव वालों के लिए आपत्ति है, तो आपत्ति को खुद पर भाई ये तो गांव समाज के लिए बनाई, अपने लिए नहीं बना रहे, गांव के लिए बना रहे। तो पानी गांव का निकलता है। हाँ हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन खाली भाई हम लेखपाल को बुलाया है तो हमने लेखपाल से कहा कि आप जा करके देखो। वो कह रहे हैं कि जैसे नाली बनाएंगे तो वो कब्जा कर लेंगे, नाली की जमीन में थोड़ी ना करेंगे, नाली की बात कर रहे हैं। हाँ वही उनका कहना का मतलब, एक पता जो लोग कह रहे थे कि हम यहाँ से वहाँ तक ऐसे पर्वत डालेंगे। देखो जब प्रशासन आएगा, लेखपाल को मैंने अवगत करा दिया, लेखपाल आएगा उसको जो कहेगा वो करा सकते भाई। ये नाली जगह के काम लेखपाल जानता है, बाकी प्रधान को नहीं होता है। नाली बनी थी तो हम वही तो कह रहे हैं, तो लेखपाल समझे, लेखपाल के मार्फत जमीन होती है, हम प्रधान की नहीं होती, प्रधान को समझाना होता है, जहाँ 10 आदमी रहेंगे उसी को समझाएगा। हम भी कह रहे हैं, अरे तो हम तो वही कह रहे हैं, इन्होंने तोड़ा तो बनवा रहे हैं, हम क्या गलत कह रहे हैं।